वीडियो ठीक है। मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे देखे, मस्जिद की मीनारों पे भगवा झंडे देखे, मस्जिद के गेट के सामने बैठ के पढ़ते हनुमान चालीसा लोग देखे, दरगाह के अंदर घुस के जय श्री राम चिल्लाते हाल फिलहाल में वीडियो देखे। अगर कुछ नहीं देखा तो वो अब ये नहीं देखा था तो देखने को मिल गया। बुलडोज़र देखे मदरसों पर चलते, बुलडोज़र देखे मस्जिदों पर चलते, और आज इबादत में बैठे लोगों पे लाते चलती भी देखी। लकवानी मार गया आपकी टांग को ये सब कुछ करते हुए साहब। खैर आपकी इतनी हिम्मत कहाँ थी, ये तो सफ़ेद जो पोशाक है आपके पीछे ताकत दे रही है, ये तो उसकी हिम्मत थी। रोड पूरी खुली है, ट्रैफिक पूरा आ रहा है पूरा जा रहा है। बरसों से दिल्ली के अंदर हमने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। एक हफ्ते में 5 मिनट के लिए अगर एक नमाज होती है तो आपको दिक्कत हो गई। इतनी धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, नेताओं की रैलियां निकलती हैं, पता नहीं कितने रास्ते डाइवर्ट होते हैं, कितने रास्ते बंद होते हैं, कितनी तकलीफ़ होती है। पर नहीं, आपको भाईचारा बिगाड़ना है, आपको माहौल ख़राब करना है, क्योंकि आज इलेक्शन का वक्त जो चल रहा है। खैर ये इबादत में बैठे लोगों को मारने पीटने का काम सिर्फ शैतानों का होता है, इंसानों का नहीं। इतनी बात अपने जहन में बिठा लेना। जय हिंद, जय भारत।